हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक और आप देख रहे हैं हम सब का अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था और क्वेश्चन था कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मींस हम किसी बॉडी को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में ही चार्ज दे सकते हैं, Q इक्वल टू एनी। तो मैंने आप वहां पर एक क्वेश्चन छोड़ा था कि ये चार्ज में ये क्वांटाइजेशन की जो प्रॉपर्टी है ये क्यों है, चार्ज को हम किसी बॉडी को E के फ्रैक्शन में क्यों नहीं दे सकते, इंटीजर में ही क्यों दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस आंसर तक पहुंचेंगे। लास्ट में मैं आपको इसका आंसर दे के जाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप पूरी वीडियो देखेंगे, और देखनी चाहिए। देखो, आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, और आप बीच में ही छोड़ देंगे तो उसको देखने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है, सलाह है कि आप वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज एटॉमिक मॉडल और इलेक्ट्रॉन थ्योरी। कुछ लोग इसे एटॉमिक मॉडल कहते हैं और कुछ इसे इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहते हैं। बड़ा सिंपल सा मॉडल है, ऐसा कोई नया मॉडल नहीं है, आप सब लोगों ने पढ़ा है, आप सब लोगों ने सुना है इसको। एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। आप सब जानते हैं मैटर किससे बना है, एटम से बना है। हाँ सर, जानते हैं हम। तो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। उसके बाद एटम इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है सर, ये भी जानते हैं हम। जो एटम है वो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो जो एटम है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स से बना है। फिर आगे सब, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस किससे बना है सर, प्रोटॉन्स से और न्यूट्रॉन्स से। ठीक है जी। अब दोस्तों, सपोज मैं कोई भी एक एटम ले लेता हूं, कोई भी किसी भी एलिमेंट का। सपोज मैंने सोडियम का एटम ले लिया मैंने, तो सोडियम के एटम में ये हो गया सपोज न्यूक्लियस। ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने न्यूक्लियस, ये मैंने मान लिया कि ये न्यूक्लियस है और ये इसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दें तो 2, इस वाले में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, एंड लास्ट जो सेल है उसमें हमारा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है। आप ये भी जानते होंगे, बेसिक बात है, केमिस्ट्री में भी आपने 11th में पढ़ा होगा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और जो जिस सेल में इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको हम बोलते हैं वैलेंसी सेल। क्लियर। अब यहां पर बात एक मुद्दे की यह है कि किसी भी एटम में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उस एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मींस अगर मैं सोडियम की बात कर रहा हूं, यहां पर ये Na है, तो इसके अंदर अगर 11 प्रोटॉन्स हैं तो 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर। अच्छा, इसके अंदर मान लेते हैं 12 सपोज न्यूट्रॉन है। क्लियर। तो न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रिक फोर्स में कोई रोल नहीं होता क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रिक फोर्स में कोई रोल नहीं है। तो यहां पर सब 11 प्रोटॉन हो गए न्यूक्लियस में और 12 न्यूट्रॉन हो गए, और उसके अराउंड 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अब बात यह आती है कि यहां पर प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस में, प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलॉम। तो यहां पर है 11 यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड के एक पेन आता है 5 रुपए का, तो 10 पेन आएंगे कितने के, 10 × 5। तो वही चीज, एक प्रोटॉन पर है इतना चार्ज, तो 11 प्रोटॉन्स पर कितना चार्ज होगा, इंटू 11। तो 11 प्रोटॉन्स पर, 11 प्रोटॉन्स पर चार्ज हो जाएगा प्लस में 11 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलॉम। क्लियर? अब यहां पर साहब इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 17, तो 17.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलॉम, और किस में, प्लस में। कहने का मतलब एटम के पास टोटल इतना पॉजिटिव चार्ज है। अब इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हमने कैसा चार्ज मान रखा है, नेगेटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है साहब, माइनस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलॉम। तो 11 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, इतना ही बट नेगेटिव, तो माइनस 17.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलॉम। क्लियर? अब बच्चों अगर हमसे कोई पूछे कि भाई एटम पर टोटल चार्ज कितना है, तो मैंने आपको टोटल के लिए प्रॉपर्टीज, अगर आपने लास्ट की वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि चार्ज इज एडिटिव। जब भी टोटल चार्ज की बात आएगी तो उस जगह पर जितने भी चार्ज हैं उन सब चार्जेज को हम विद साइन ऐड करेंगे। तो यहां पर एटम में हम टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं और एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेज हैं, तो जब टोटल की बात आएगी तो विद साइन उन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो सिंपल सी बात है कि जब दोनों का सम करेंगे तो वो इक्वल आएगा हमारा जीरो के। अब जीरो के इक्वल है तो कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल जिस पर कोई चार्ज नहीं है, जिस पर कोई चार्ज नहीं है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। इट मींस एज ए होल ये एटम एक न्यूट्रल बॉडी है। एज ए होल ये एटम कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। क्लियर? तो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, और ये एटम्स कैसे हैं साहब, न्यूट्रल। ये एटम कैसे हैं, न्यूट्रल हैं। ठीक है, तो अब कोई पीस ऑफ मैटर ले लेते हैं, मान लीजिए ये कोई एक पीस ऑफ मैटर है, कुछ भी, कोई प्लास्टिक की या कोई मेटल, कुछ भी, व्हाटएवर। तो ये एज पर एटॉमिक मॉडल ये किससे बनी हुई है साहब, ये मैटर किससे बना हुआ है, एटम से। ये भी एटम न्यूट्रल है, ये भी जितने भी एटम्स हैं वो सब न्यूट्रल्स हैं। तो एज ए होल अगर इस पर चार्ज पूछा जाए क्यू, जीरो, इस पर भी जीरो, इस पर भी जीरो, इस पर भी जीरो, इस पर भी जीरो, सब पर जीरो है। तो टोटल चार्ज कितना हुआ एज ए होल, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, टोटल चार्ज एज ए होल इस पूरे मैटर पर टोटल चार्ज कितना हुआ साहब, जीरो हुआ। कहने का मतलब हमारी सराउंडिंग में, हमारी सराउंडिंग्स में जितनी भी बॉडीज हैं, जो भी चेयर है, टेबल है साहब, फैन है साहब, है ना, जितनी भी बॉडीज हैं, हम हैं, वो सब कैसी हैं, न्यूट्रल हैं। क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर, बॉडीज के अंदर, मैटर के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, जिस वजह से जो मैटर है वो न्यूट्रल है। अब बात आती है कि अगर ये न्यूट्रल है, वो हर बॉडी न्यूट्रल है, अब हम चाहते हैं कि बॉडी को चार्ज करना, हम कोई भी बॉडी है हम उसको चार्ज करना चाहते हैं, तो बात आती है कि हम बॉडी को चार्ज कैसे करें। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करें बच्चों, ये जो एटॉमिक मॉडल है ये बड़े काम की चीज है। बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी मैटर हो, कोई भी बॉडी हो, वो एटम से बनी हुई है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये जो मॉडल है, आप मेरी बात का यकीन करना, इतना यूजफुल मॉडल है कि आपके 12th के फर्स्ट वॉल्यूम में, तो कहते हैं ना, फ्रीक्वेंटली यूज होगा। और अगर ये मॉडल आपके दिमाग में है तो जो कॉन्सेप्ट इससे एक्सप्लेन होगी आप उसको बहुत इजी वे में समझ पाएंगे कि हाँ, और बड़ा मतलब ऐसे लगेगा कि हाँ ऐसा तो होगा। क्लियर?
तो यहां पर बात यह आई कि सब हर बॉडी न्यूट्रल है और हम चाहते हैं उस बॉडी को अब चार्ज करना। तो यहां पर साहब क्वेश्चन बनता है कि हाउ टू चार्ज अ बॉडी, हाउ टू चार्ज अ बॉडी। सारी बॉडीज न्यूट्रल हैं तो हम किसी भी बॉडी को चार्ज अब कैसे दें, किसी बॉडी को चार्ज कैसे करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो बहुत आसान है, मैं इस आइटम से ही लेता हूं भाई। सीधी सी बात है, हमको मैटर को चार्ज देना है, हमको बॉडी को चार्ज देना है, और वो किससे बनी है, एटम से। तो अल्टीमेटली हमें चार्ज देना किसको है, एटम को। तो मेरे सामने ये एटम है, हम लोग, हमारे सामने ये एटम है सोडियम का। अब देन थिंक लाइक ए फिजिसिस्ट, सपोज कीजिए अगर मैं इस एटम में से ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है जिसे हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को समहाउ मैं इसको बाहर निकाल लूं, तो मैंने ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकाल लिया साहब, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस एटम से मैंने बाहर निकाल लिया। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे निकाल लिया आपने, कैसे निकाला है हमें भी बताइए वो तरीका। तो वही तरीके बताने वाला हूं मैं आपको आज कि इस इलेक्ट्रॉन को कैसे हमें निकालना है और कैसे हमें डालना है, ठीक है। तो मैंने इसको एक मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, तो प्रोटॉन तो 11 ही है, 11 प्रोटॉन है, तो 11 प्रोटॉन पर आपके सामने चार्ज लिखा हुआ था जीरा, प्लस में इतना होगा। तो अभी इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं, तो प्लस में चार्ज है एटम के पास प्लस 17.6 इंटू 10^-19 कूलॉम, क्योंकि मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है। तो पहले इलेक्ट्रॉन थे इसमें 11, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो अब साहब 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, माइनस 10 इंटू 1.6 इंटू 10^-19 कूलॉम, और ये आ जाएगा आपका निकल के माइनस 16 इंटू 10^-19 कूलॉम। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अब बताओ एटम पर टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल की बात जब भी आएगी जितने भी चार्ज हैं सबको विद साइन ऐड कर दो। तो प्लस चार्ज कितना है, प्लस 17.6, माइनस कितना है, माइनस 16। तो जब टोटल निकालेंगे क्यू नेट निकालेंगे तो प्लस 17.6 और माइनस में है 1.6 और इनटू में आपका ये 10^-19। तो जब इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा साहब आपका प्लस 1.6 इंटू 10^-19 कूलॉम। सरप्राइजिंग, आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला अब उसी एटम पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, आया ना। अब रिवर्स वे में सोचिए, यहां मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था इस एटम से तो उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब रिवर्स वे में अगर हम सोचेंगे अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा डाल दें हम उस एटम में somehow, तो हमने अगर एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया तो प्रोटॉन्स तो 11 ही है, प्रोटॉन्स के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन और डाल देंगे तो 11 उसके पास पहले से ही थे, एक इलेक्ट्रॉन और हमने दे दिया तो अब उसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 12, तो 12e, तो 12 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो जाएगा 12 इंटू 1.6 इंटू 10^-19 कूलॉम, क्लियर। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं 19, तो 19.2 इंटू 10^-19 कूलॉम, क्लियर। एक बार इसे चेक कर लो, ठीक है। अब साहब टोटल चार्ज की बात आई साहब, अब इसका जब हम टोटल करेंगे तो अगेन वही प्रोसेस, जितना पॉजिटिव है जितना नेगेटिव है दोनों को भी साइन ऐड कर दो। तो नेगेटिव में है माइनस 19.2 और प्लस में है कितना 17.6, ठीक है, और इनटू 10^-19। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा साहब का माइनस 1.6 इनटू 10^-19 कूलॉम। कहने का मतलब जैसे ही हमने उस एटम को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब उस एटम पर चार्ज आ गया कैसा, नेगेटिव। तो आप लोगों ने बच्चों सुना होगा पॉजिटिव आयन
नेगेटिव आयन, ये आपने सुने होंगे, तो ऐसे ही बनते हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दे रहा है, अगर कोई एटम लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, तो उस पर चार्ज आएगा दोस्तों पॉजिटिव। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो हम देख रहे हैं कि उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। वैसे तो बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों को याद रहता है, लेकिन फिर भी अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए कि यार कब पॉजिटिव चार्ज आता है कब नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसको समझने का देखिए, इसको फील द फिजिक्स, फील करो फिजिक्स को, है ना, बड़े आराम से याद रहेगा आपको, जिंदगी में रटने की जरूरत नहीं है फिजिक्स को। भाई इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यूं सोचिए कि नेगेटिविटी निकल रही है। खुद पर एक्सपीरियंस कीजिए, सपोज हम अपने मन में से कोई नेगेटिव थिंक निकालते हैं, हम नेगेटिविटी निकाल रहे हैं, तो क्या चीज बढ़ेगी हमारे अंदर, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, मतलब नेगेटिविटी कम हो रही है, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, मींस उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब वो नेगेटिविटी ले रहा है, अगर हम अपने माइंड में नेगेटिविटी को लें, तो हमारी जाहिर सी बात है नेगेटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी कम होगी, तो मतलब हम नेगेटिव पर्सन बन जाएंगे। ठीक वैसे ही अगर एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसमें नेगेटिविटी बढ़ेगी, कहने का मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से आयन बनते हैं कि ये सपोज ये कोई एटम है, है ना, ये कोई एटम है, और अगर ये एटम नेगेटिविटी निकाल रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो ये बन जाता है आपका पॉजिटिव आयन। क्या बन जाएगा बच्चों, पॉजिटिव आयन। अगर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये बन जाएगा आपका नेगेटिव आयन। क्लियर? तो इस तरह से मैंने देखा कि कोई एटम, हमने क्या देखा कि भाई एटम न्यूट्रल था, और हमने एटम को चार्ज कैसे दिया, हमने एटम को चार्ज कैसे दिया, बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, मींस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल के या एटम को इलेक्ट्रॉन देकर हमने उसको चार्ज किया। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। क्लियर? तो अब क्या है, अब आपसे कोई पूछता है, सपोज आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग, मींस अगर किसी बॉडी पर चार्ज नहीं था और अचानक से उस पर चार्ज आ जाता है, और आपसे कोई पूछता है कि भाई बताओ इसका क्या कॉज हो सकता है कि इस पर चार्ज आ गया, तो आप क्या जवाब देंगे उसे, तो कॉज ऑफ, कॉज ऑफ चार्जिंग। तो कॉज ऑफ चार्जिंग क्या था, यहां से हमने क्या देखा, एटम पर चार्ज कब आया, जब एटम को या तो हमने इलेक्ट्रॉन दिया या एटम से इलेक्ट्रॉन लिया, मींस कॉज ऑफ चार्जिंग है ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, बहुत सिंपल, कॉज ऑफ चार्जिंग क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर दें, इलेक्ट्रॉन ले लें या इलेक्ट्रॉन दे दें, तो उस पर चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया साहब चार्जिंग का कॉज। तो यहां अब जो बात आ रही है ना कि हमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है चार्जिंग के लिए, तो दोस्तों हमें यही डिस्कस करना है आज के वीडियो में कि ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफर किए जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो हमने नहीं देखे, इलेक्ट्रॉन्स तो किसी ने नहीं देखे। अब सर कह रहे हैं कि यार हमको इलेक्ट्रॉन लेना है या देना है, मैंने कह दिया कि भैया इस मार्कर को चार्ज दो और इसको इलेक्ट्रॉन दो, अब यार वो ढूंढ रहा है इधर उधर, मैं कहां से लेकर आऊं इलेक्ट्रॉन, मैं कैसे से इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे लेंगे हम। ठीक है, यही चीज, इसी चीज के ऊपर आज का पूरा लेक्चर है कि कैसे इलेक्ट्रॉन लें और कैसे इलेक्ट्रॉन दें। क्लियर? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया कॉज ऑफ चार्जिंग। अब बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात है, एटॉमिक मॉडल के बेस पर, एटॉमिक मॉडल के बेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में
जितने भी जहां कहीं भी आप किसी बॉडी को, याद रखना मेरी बात को, थ्रू आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जहां कहीं भी कोई भी बॉडी मिलेगी आपको, जब भी वो कोई बॉडी वर्ड बोलेगा, अ बॉडी हैविंग चार्ज दिस, अ बॉडी हैविंग कैपेसिटी दिस, अ बॉडी हैविंग पोटेंशियल दिस, जब भी वो बॉडी बोलेगा तो वो बॉडी या तो इंसुलेटर होगी या फिर कंडक्टर होगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटेरियल्स। तो पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे लिए दो मैटेरियल यूजफुल हैं, पहला कंडक्टर्स और दूसरा साहब इंसुलेटर्स। अब बहुत जानते हो उनको अच्छी तरह से। कंडक्टर्स में जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑल मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, अर्थ, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। इंसुलेटर्स की अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल्स आपके जानते हैं, जैसे प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ड्राई वुड एटसेट्रा। ये सब किसकी कैटेगरी में हो गए साहब? ये सब हो गए इंसुलेटर्स की कैटेगरी में। तो जहां कहीं पर भी होगी बॉडी जिसके ऊपर हम चार्ज दे, जिसको हम चार्ज कर रहे हैं, या तो वो मेटल होगी मींस कंडक्टर होगी या फिर इंसुलेटर होगी। अब थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं इनकी पिक्चर्स को, क्योंकि बड़े काम आने वाली है कंडक्टर्स और इंसुलेटर। खाली ये पता होना ही जरूर मतलब सफिशियंट नहीं है कि कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। अब थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा डीप जाएंगे हम कंडक्टर्स के, मेटल्स के। तो दोस्तों जहां कहीं भी मेटल की बात हो तो आंख बंद करनी है और उसकी एक पिक्चर बनानी है। दोस्तों मैं तो अपने इन वीडियोस के थ्रू बस आपको ये बताना चाहता हूं कि फिजिक्स को पढ़ना कैसे है और फिजिक्स को सीखना कैसे है। फिजिक्स को ना यहां रखा करो दिल में। तो मेटल्स की पिक्चर क्या बनानी है, एक इमेज जो होती है ना मेटल्स के बारे में, कि जब मेटल नाम आए तो उसकी सामने ये पिक्चर आ जानी चाहिए। तो दोस्तों कोई भी मेटल हो, अगर एटॉमिक मॉडल कहता है, जो अभी मैंने आपको सबसे पहले वही बताया है, तो एटॉमिक मॉडल कहता है कि किसी भी मेटल के अंदर जो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, कि उसके अंदर साहब पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कॉपर है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जैसे कॉपर है तो कॉपर का एटम है Cu का, और कॉपर का एटम के नंबर है 29, और जब उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है मींस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कभी एटम था कॉपर का, इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, लूज कर दिया है, जिसकी वजह से इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी जो मैंने आपको बताया था नेगेटिविटी निकाली है उसने, तो वो बन गया पॉजिटिव आयन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो कॉपर के एटम्स थे, ये उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो छोड़ छोड़ के आ गए हैं, तो वो सारे एटम्स जो थे वो तो बन गए पॉजिटिव आयंस, और वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलते हैं हम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री वर्ड का मतलब क्या है, दे आर फ्री टू मूव, कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो इन आयंस के बीच में जो स्पेस है, इन आयंस के बीच में जो खाली जगह होगी, ये उस जगह में
रैंडमली मूव करते रहेंगे, मींस कोई इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा होगा, कोई इधर कोई इधर, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई दाएं कोई बाएं, इस तरह से मोशन कर रहे हैं ऑल टाइम, एट ऑल टाइम्स। मतलब मैं कह सकता हूं कि दे आर इन अ परपेचुअल मोशन, परपेचुअल मोशन बोले तो नेवर एंडिंग मोशन, ऐसी मोशन जो कभी खत्म नहीं होती। क्लियर? तो फ्री का मतलब क्या कि ये इलेक्ट्रॉन अभी सपोज करो यहां है, थोड़ी देर बाद पता चला ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां है, पता चला थोड़ी देर पीछे ये यहां मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये मेटल्स के अंदर रैंडमली क्या करते रहेंगे, मोशन करते रहेंगे। इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्जेज। फ्री चार्जेज मींस भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है ना, तो मतलब वो जो चार्ज है जहां जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां वहां उसके साथ चार्ज जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज भी फ्री है भैया मूव होने के लिए, मोशन के लिए। क्लियर? तो जहां कहीं भी मेटल का नाम आए तो आपको ये पिक्चर जो है सोचनी है कि मेटल, मेटल के अंदर पॉजिटिव आयंस हैं और पॉजिटिव आयंस के बीच जो स्पेस है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्लियर? अब साहब दूसरी आपकी, अच्छा एक चीज और, ये जो आयंस होते हैं ये बहुत हैवी हैं, बहुत हैवी मतलब भारी हैं, और उस वजह से ये इमोबाइल होते हैं। इमोबाइल मींस ये मूव नहीं करेंगे, ये अपनी जगह पर ही रहेंगे, ये आयन यहां है ये यहीं कहीं रहेगा। तो जो आयन जहां है वो अपनी जगह से नहीं हटेगा। तो जो पॉजिटिव आयन है वो इमोबाइल है और इलेक्ट्रॉन फ्री है मोशन के लिए। अब साहब दूसरी पिक्चर हमें बनानी है किसकी, इंसुलेटर्स की, क्योंकि इनकी पिक्चर्स बहुत काम आने वाली है दोस्तों। तो सपोज इंसुलेटर कोई भी सोच लेते हैं अपने मन में, मान लीजिए ये कोई प्लास्टिक है, तो इसके जो एटम्स हैं ये सपोज कीजिए ये न्यूक्लियस है एटम का और ये है आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन उस एटम का। सिमिलरली ये न्यूक्लियस है उस एटम का और ये है आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ये न्यूक्लियस है साहब और ये है साहब आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही एंड सो ऑन। कहने का मतलब दोनों में डिफरेंस समझना, यहां मेटल्स के केस में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन था वो अपने एटम को छोड़ चुका है और छोड़कर अब वो फ्रीली घूम रहा है इधर उधर, कोई पता पता नहीं है, कभी वो इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, भागे जा रहा है भागे जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है उसे। क्लियर? लेकिन इंसुलेटर्स के केस में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो अब भी न्यूक्लियस के साथ टाइटली बंधा हुआ है, टाइटली बाउंड है। कहने का मतलब वो अपने एटम को नहीं छोड़ पा रहा है। क्यों नहीं छोड़ पा रहा है? क्योंकि यहां पर जो ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव न्यूक्लियस है, इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है और वो इलेक्ट्रॉन अपने एटम को नहीं छोड़ पा रहा है। और नहीं छोड़ पा रहा है इस वजह से वो सदियों से न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व किए जा रहा है, रिवॉल्व किए जा रहा है मींस वो बाउंड है, बंधा हुआ है अपने न्यूक्लियस के साथ। ठीक? तो इस इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा वो अपने एटम को नहीं लीव कर सकता, नहीं छोड़ सकता। उस इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं बाउंड, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। आर यू गेटिंग और नॉट? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड का मतलब सीधी सी बात है, मतलब वो बंधे हुए हैं, वो फ्री नहीं है, वो छोड़ नहीं सकते एटम को। क्लियर है? तो दोनों की पिक्चर में डिफरेंस मैं समझता हूं आपके आ गया होगा कि मेटल्स में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते बल्कि बंधे हुए होते हैं। कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर मोशन करता रहेगा, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के कहीं दूसरे एटम के पास चला जाए या किसी और दूसरी जगह चला जाए, नहीं नहीं, वो यहां आज भी यही मोशन कर रहा है, कल भी यही करेगा और सदियों तक यही मोशन करता रहेगा, बाउंड इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं और इंसुलेटर्स में बाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो अगर मेरे ये पिक्चर अगर आपके समझ में आ गई है तो यूं समझिए कि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू चार्ज अ बॉडी मींस मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यूं चुटकी में समझ में आने वाली है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग।
दोस्तों मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट मेथड्स ऑफ चार्जिंग भी बता देता, लेकिन मेरे हिसाब से फिर वो आपको फिजिक्स पढ़ाना सिखाना नहीं, फिजिक्स पढ़ाना हो जाता। मैं समझता कि मैंने आपको फिजिक्स को एक तरह से क्रैमिंग करवा दी, रटवा दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप चीजों को जड़ से समझें, क्या है ये, कैसे है ये, क्यों है। मैं रोज हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं तो जितने भी क्वेश्चंस मार्क्स होते हैं ना, उनको साथ लेके बैठा करो, व्हाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, वेयर, और पढ़ते रहो। हर स्टेप पर, हर उस पर एक लाइन पर क्वेश्चन मार्क लगाओ, व्हाई, व्हाट, हाउ। हो सकता है शुरुआत में आपको दिक्कत आए, लेकिन मैं आपको दावा करता हूं कि आप अगर मेरा वीडियो देखते रहेंगे ना, तो मैं पूरी फिजिक्स आपको ऐसे ही पढ़ाने वाला हूं। मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता भाई ऐसे पढ़ा के, मैं नहीं पढ़ा सकता ऐसे कि टू दी पॉइंट, बस ये करके, हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे कर दिया, मैं नहीं पढ़ा सकता। मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब तक मैं किसी चीज के ओरिजिन में, उसकी जड़ में ना जाऊं, जब तक कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। मैं तो आपको वही चीज देना चाहता हूं। तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं हम, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, और इसको हम और भी सब हेडिंग दे सकते हैं, मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग, मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स, और बोल सकते हैं इसे वेज ऑफ चार्जिंग, वेज ऑफ चार्जिंग, कैसे भी समझ लो, एक ही बात है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स, वेज ऑफ चार्जिंग, क्लियर। तो अभी जो बात चल रही थी कि किसी भी बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है तो भाई हमें उससे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना पड़ेगा, या तो हमें उसे इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या फिर देने पड़ेंगे। तो यहां पर बात आ रही थी कि हम उसको किस तरह से चार्ज करें, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे ट्रांसफर करें। तो बच्चों मेथड्स ऑफ चार्जिंग मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने का एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन तरीके हैं। आप बड़ी आसानी से, आपको इलेक्ट्रॉन दिखे ना दिखे, और आप बड़ी इजीली इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां, इस बॉडी से उस बॉडी पर पहुंचा सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमारी, देयर आर थ्री मेथड्स। सबसे पहले रबिंग, इसको हम फ्रिक्शन भी बोलते हैं। सेकंड है साहब हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रो स्टैटिक इंडक्शन। तो ये तीन मेथड्स हैं हमारी, रबिंग, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एंड इलेक्ट्रो स्टैटिक इंडक्शन। अब साहब मैं वन बाई वन इनको स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हम लेते हैं नंबर वन, रबिंग और फ्रिक्शन। तो रबिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, रबिंग का मतलब क्या है, रबिंग का मतलब ये क्या कर रहा हूं, मैं रब कर रहा हूं, घिसना। आपके पास दो बॉडी हैं और आप उनको क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, घिस रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले खास बात है दोस्तों वो ये है कि इस मेथड से, अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां कहीं भी बॉडी की बात होगी, या तो वो कंडक्टर होगी और या फिर इंसुलेटर होगी। तो रबिंग से बात आ रही है ना कि जिस बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं इस मेथड से, वो कैसे, कौन सी बॉडी है साहब, मींस वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है।
तो दोस्तों रबिंग से हम कंडक्टर्स को भी चार्ज कर सकते हैं और इंसुलेटर्स को भी चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको यहीं से इस वीडियो के थ्रू आपको ये फील करा दूंगा, आपको दिखा दूंगा। आपने शायद हो सकता है अभी तक ना देखी हो, या हो सकता है आपने देखा भी हो, है ना। तो जिन्होंने नहीं कभी देखा है कि चार्ज रबिंग ये सब एक कल्पना है कि कोई चार्ज होता है, मैं आपको दिखाऊंगा चार्ज होते हुए यहीं से, मतलब बता के आपको दिखाऊंगा कि आप देखिए वहां पर वो चीज है और आपको आप खुद एहसास करेंगे कि हाँ भाई रबिंग में चार्जिंग होती है और चार्ज होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि रबिंग से हम कंडक्टर्स को भी चार्ज कर सकते हैं और इंसुलेटर्स को भी चार्ज कर सकते हैं, क्लियर। अब साहब उसके बाद एक पहले एक पॉइंट की बात, छोटी सी बात है, उसको डिफाइन कर देता हूं मैं। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है बच्चों, कि ये कोई भी बॉडी है, मुझे इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है बाहर, तो मुझे इसको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी इन एनी फॉर्म। जैसे मैं यहां हीट की फॉर्म में दे रहा हूं, तो मैं किसी भी फॉर्म में दे सकता हूं वैसे। तो मुझे यहां एनर्जी देनी है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। सपोज इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया एनर्जी देने पर, तो वर्क फंक्शन इज नथिंग बट, वर्क फंक्शन इज नथिंग बट इज द मिनिमम एनर्जी required to extract one electron from the material, means किसी भी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, किसी भी बॉडी से, किसी भी मटेरियल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें जितनी कम से कम, मिनिमम का मतलब जितनी एक, मतलब उससे कम अगर दी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो जो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होता है वो उस मटेरियल का वर्क फंक्शन होता है। क्या होता है? वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन इज नथिंग बट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब खींचना, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मटेरियल। तो सपोज एक फिगर लेते हैं, जैसे मान लो ये कोई मटेरियल है और इसको एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सपोज मुझे 5 जूल एनर्जी देनी पड़ी, जस्ट सपोज। तो ये मतलब अगर मैं 5 जूल से, मान लो मैं अगर 4.9 जूल भी देता हूं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये अगर मिनिमम है तो कहने का मतलब मिनिमम इतनी तो देनी ही पड़ेगी, इससे ज्यादा देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे पॉइंट्स में भी अगर कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो इस मटेरियल का जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन को हम W से डिनोट करते हैं, तो W जो है वो आपका कितना है इसके लिए, 5 जूल। अब आपको सपोज कीजिए किसी कोई ये मटेरियल है सपोज X, और आपको गिवन है कि भाई इसके लिए जो वर्क फंक्शन है वो 2.5 जूल है। तो आप क्या समझेंगे इससे? आप समझेंगे कि अगर मुझे इस मटेरियल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो मुझे कम से कम इतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी। अगर मैं इस अमाउंट से कम एनर्जी देता हूं, 2.5 जूल से अगर कम एनर्जी देता हूं तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और इसके बारे में हम एक तो पूरा चैप्टर ही इसको डिवोटेड है, सेकंड वॉल्यूम में आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो वहां इसको तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अभी फिलहाल केवल आप इतना समझ गए। अब साहब मैं समझता हूं कि वर्क फंक्शन आप समझ गए, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब आते हैं लौटकर हम रबिंग पर। अब एक चीज और है इसमें वर्क फंक्शन में, कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये डिफरेंट फॉर
डिफरेंट डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटेरियल्स, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटेरियल्स, कहने का मतलब जितने भी मेटेरियल्स हैं जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, प्लेटिनम, सोडियम, मैग्नीशियम, प्लास्टिक, जितने भी मेटेरियल हैं सबके लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। कॉपर के लिए कुछ होगी, आयरन के लिए कुछ होगी, सिल्वर के लिए कुछ होगी, सबके लिए अपनी अपनी वैल्यू है। क्लियर? तो डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटेरियल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्क फंक्शन, कोई भी दो ऐसे मेटेरियल नहीं है जिनका वर्क फंक्शन सेम होता हो। क्लियर? अब साहब आते हैं रबिंग पर। रबिंग आपको बता दिया है कि इससे हम कंडक्टर्स को भी चार्ज कर सकते हैं और इंसुलेटर्स को भी चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों के एग्जांपल्स दूंगा। आपने दोनों एग्जांपल्स देखे हैं, कंडक्टर्स को भी चार्ज होते हुए देखा है रबिंग से और इंसुलेटर्स को भी चार्ज होते हुए देखा है। ठीक है, अब रबिंग में क्या है, अब कैसे चार्ज करेंगे, अब ये देखते हैं। तो बच्चों सपोज करो ये कोई दो बॉडी है अलग अलग मेटेरियल्स की। क्लियर? दोनों का एक मेटेरियल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ए और ये है सब आपका बी, कोई भी दो मेटेरियल मेटेरियल्स की ये दो बॉडी है। अब हमने क्या किया साहब, ए और बी को हमने एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया। क्लियर? तो जब हम रब करते हैं, अपने हाथों को हम रब कर रहे हैं, तो क्या क्या फील होता है, हमें हीट फील होती है, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे हाथ गर्म हो गए हैं। तो होते हैं, क्योंकि जब हम अपने हाथों को इस तरह से रब कर रहे हैं तो हमारे हाथों के बीच फ्रिक्शन होता है और जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सेम थिंग हियर, ये दो बॉडी हैं, अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे बॉडी ए के एटम भी एब्जॉर्ब करेंगे और बॉडी बी के एटम भी एब्जॉर्ब करेंगे। मीन्स दोनों एटम्स क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी भी मटेरियल को एनर्जी देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आएगा। तो जब हम रबिंग कर रहे हैं तो रबिंग करके हम एक्चुअल में जो दोनों बॉडीज हैं ए और बी, हम उनके एटम्स को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैंने बोला कि ये डिफरेंट मेटल है, डिफरेंट का मेटल का मतलब दोनों के वर्क फंक्शन अलग अलग होंगे, क्योंकि डिफरेंट अगर मटेरियल है तो दोनों सबके अलग अलग वर्क फंक्शन है। अब सपोज करो मैं ऐसी जस्ट एक फिगर ले रहा हूं, सपोज करो इसका वर्क फंक्शन है 2.5 जूल और इसका वर्क फंक्शन है 4 जूल। मींस इसका वर्क, बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है, मतलब बी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी होगी। ठीक ठीक है, तो जब हम हीट एनर्जी दे रहे हैं तो ए और बी दोनों के एटम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब सोचिए आप, बी इसको एनर्जी चाहिए कम और इसको एनर्जी चाहिए ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन्स किस बॉडी से जल्दी निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है ए से निकलेगा। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, ए से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसे जो बॉडी बी है वो उसे क्या कर लेगी, गेन कर लेगी। Are you getting or not? ठीक है, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कम था तो इस वजह से इससे इलेक्ट्रॉन जल्दी निकला और वो बी ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, गेन कर लिया। तो उससे क्या होगा, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर आप नेगेटिविटी निकाल रहे हैं तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि ए ने इलेक्ट्रॉन दिया है, नेगेटिविटी दी है, निकाली है, तो इस बॉडी पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, क्योंकि बी ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो बी पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। और खास बात यह है रबिंग में कि एक बॉडी पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरी बॉडी पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। दैट इज द की पॉइंट इन रबिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस। ये की पॉइंट है रबिंग में, एक बॉडी पर जितना पॉजिटिव आएगा दूसरी पर उतना ही नेगेटिव आएगा। और दूसरा की पॉइंट क्या है, रबिंग से हम कंडक्टर्स को भी चार्ज कर सकते हैं और इंसुलेटर्स को भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक बात और बता रहा हूं तुम्हें कि
आप जब भी कभी पढ़ेंगे ना तो आपको जनरली ऐसा कुछ मतलब जानकारी मिलेगी कि दो बॉडी को रब किया तो एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, दूसरी ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर? तो यहां पर मैंने आपको ये चीज बहुत डीप में जाके बताई है कि कौन सी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्यों निकलेंगे, कौन सी इलेक्ट्रॉन लेगी, इलेक्ट्रॉन निकल क्यों रहे हैं, क्या वर्क फंक्शन है, ये सारे कॉन्सेप्ट मतलब मैंने आपको कोशिश की है कि आप रबिंग को जस्ट पढ़ें ना, रबिंग को सीखें कि रबिंग है क्या। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपके लिए आप सोचना जरूर कि मैंने अभी जो बोला ना कि रबिंग में ए और बी जो दो बॉडीज हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स की होनी चाहिए तभी चार्ज होगा। जैसे मैं दोनों हाथों को रब कर रहा हूं, कितना भी रब करता रहूं कोई चार्ज नहीं आएगा, ध्यान दें। तो वो दोनों बॉडीज डिफरेंट ही क्यों होनी चाहिए, या दो बॉडी अगर सेम होंगी तो चार्ज क्यों नहीं आएगा रबिंग से, ये सोचे या जरूर। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।